बचपन से सब कुछ था, इतने बड़े स्टार्स थे, बंगलों में रहता था, फिर बोर्डिंग स्कूल गया, वहाँ उसके बाद ड्रग एडिक्शन, उसके बाद माँ का इंतकाल, उसके बाद वापसी, कम बैक, उसके बाद 93 बॉम्ब ब्लास्ट में वो हथियार रखना, फिर कम बैक है ना, फिर जेल, फिर मुन्ना भाई, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव तो किसी के नहीं। संजय दत्त इज द ओनली स्टार हु हैज मेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कमबैक्स। नमस्कार, लोकमत न्यूज में मैं जनार्दन आपका स्वागत करता हूँ। संजय दत्त खूब चर्चा में है इन दिनों। संजय दत्त के ऊपर बनी फिल्म रिलीज होने जा रही है और उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी उत्सुकताएं चरम पर हैं। लेकिन इसी बीच एक और किताब रिलीज हुई है जो संजय दत्त के ऊपर लिखी गई है। संजय दत्त पे किताब लिखने वाले हैं यासिर उस्मान। यासिर उस्मान वही जिन्होंने रेखा और राजेश खन्ना पे किताबें लिखी हैं। उन्होंने रेखा और राजेश खन्ना की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू उजागर किए जो अब तक लोगों को नहीं पता थे, या पता थे तो वे उस तरह से नहीं पता थे जैसे यासिर उस्मान ने बताया। संजय दत्त भी एक ऐसी ही किताब है। इसमें भी यासिर उस्मान ने कुछ महीन पन्ने खोले हैं संजय दत्त की जिंदगी के बारे में और ये किताब मुकम्मल की है। तो क्यों नहीं इस बार हम यासिर उस्मान से ही संजय दत्त की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। जनार्दन क्या है, तुमने तो पूरी कहानी सुना दी। संजय दत्त तो मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं क्यों लिखी। संजय दत्त से बड़ी कहानी देखें तो किसकी है। अगर एक सेलिब्रिटी का नाम लो, एक आदमी जो सुनील दत्त साहब और नरगिस जी जैसे माता पिता के घर में पैदा हुआ है ना, बचपन से सब कुछ था, इतने बड़े स्टार्स थे, बंगलों में रहता था, फिर बोर्डिंग स्कूल गया। मैं बोर्डिंग स्कूल लॉरेंस स्कूल सनार में था। लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी। उसके बाद ड्रग एडिक्शन, उसके बाद माँ का इंतकाल, उसके बाद वापसी, कम बैक, उसके बाद 93 बॉम्ब ब्लास्ट में वो हथियार रखना, फिर कम बैक है ना, फिर जेल, फिर मुन्ना भाई, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव तो किसी के नहीं है। संजय दत्त इज द ओनली स्टार हु हैज मेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कमबैक्स। जैसे एक स्टार होता है ना कि अच्छा ये चला गया, राजेश खन्ना साहब पे वो फ्लॉप हो गए, उसके बाद वापसी की उन्होंने है ना, वो 83 में फिर अवतार आई, सौतन आई, बड़ी वापसी। संजय दत्त तो अगर आप संजय दत्त की जो फिल्म देखें, उनकी नाम देखें तो वो कमबैक फिल्म थी। उसके बाद फिर उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई, तो साजन खलनायक है ना, और सड़क आ गई, उससे फिर वो भी कमबैक फिल्म थी। उसके बाद फिर वो जेल वेल में फंस गए, फिर वास्तव आ गई, फिर वास्तव के बाद फिर बुरा वक्त आया, उसके बाद फिर कांटे, और उसके बाद मुन्ना भाई, फिर पूरा इमेज चेंज हो गया। लगातार जो भी आप अच्छी फिल्म नाम लेंगे वो उनकी कमबैक फिल्म है। तो इतने सारे कमबैक हैं, इतनी दिलचस्प कहानी, और जो पर्सनल लाइफ में होता रहा वो पर्सनल है, जाहिर है ट्रेजेडी भी थी उसमें, उनकी अपनी बेवकूफी भी थी। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस, और मैंने ऐसी कोई चीज की नहीं जहाँ मेरे फैमिली को ऐसी सजा मिले, एक टेररिस्ट ब्रांड होना। अगर आप ये उपन्यास होता तो आप इस पे यकीन नहीं करते कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है किसी की जिंदगी में। अभी तो ये हुआ था, अब ये भी हो गया, फिर इसने हथियार भी रख लिया, तो काफी फिक्शन जैसा मामला है, लेकिन ये सब सच में हुआ है। अच्छा। तो इसलिए ये किताब में ऐसा लगेगा पढ़ के कैसे हो सकता है, लेकिन सच हुआ है और हमारे सामने हुआ है। दूसरा जो संजय दत्त से कनेक्ट था हम लोगों का, वो हमारे माँ बाप की जनरेशन के वक्त उनकी रॉकी आई थी है ना, जो हमारा वक्त था उसमें साजन सड़क रही होगी है ना, जो आपका वक्त है उसमें मुन्ना भाई, तो सबका कोई ना कोई कनेक्ट है। और जो आपसे भी छोटे लोग हैं, जो सोचिए स्कूल में, उनके सामने वो जेल से छूट के आए थे 2-3 साल पहले है ना, तो हर किसी के साथ एक ना एक फेज उनका कनेक्ट होता है ना। तो सब और फिर सुनील दत्त भी है, नरगिस की कहानी भी है, तो सब लगातार साथ साथ चल रही है। और किताब में भी वही है कि ये एक बाकायदा बाप और बेटे के रिश्ते की कहानी भी। आई थिंक वो राजकुमार हिरानी की जो ट्रेलर देखा है हमने, उसको देख के भी मुझे लगता है कि वो बाप बेटे की कहानी ज्यादा है, जो कि वाकई में मानता हूँ कि ऐसा ही है। अच्छा, यासिर सर, संजय दत्त का बचपन बड़ा शरारती था और उन्हीं शरारतों के लिए उनको उनके परिवार ने हिमाचल प्रदेश के सनवार बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, लेकिन वहां भी उनकी शरारतें बंद नहीं हुई। बताते हैं कि वहां पे उनके टीचर ने, संजय दत्त के टीचर ने एक बार उनके कंधे पर बंदूक लादकर कीड़े की तरह चलने को कहा। क्या था ये मामला, क्या था ये, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ही कहा है, और जो भी हमने लिया है ये वो ज्यादातर वही है जो कहीं ना कहीं उन्होंने बयां किया है। तो उसके मुताबिक रहा यही था कि चूंकि मैं सुनील दत्त और उनका बेटा था नरगिस जी का, तो सारे टीचर्स के जहन में ये बात रहती थी, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पर जब आप एक क्लास में होते हो तो सब बच्चों को लगता है कि अच्छा ये तो बड़े आदमी का बेटा है, शायद इसको, इसके लिए रूल्स अलग होंगे, तो टीचर्स भी ये दिखाना चाहते थे कि ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे सामने ये भी आम स्टूडेंट है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उस कोशिश में कई बार क्या होता था कि सजा इनको, और क्योंकि शरारती थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, तो शरारतों में दिमाग लगता था, तो जो सजा मिली कई बार वो बहुत एक्सट्रीम पे पहुंची, और
इतने एक्सट्रीम पे पहुंची कि वो एक बार इसमें जिक्र है उस सजा का कि हाँ। वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं एक बंदूक कंधे पे टांग के, उनके पूरे हाथ छिल गए हैं, खाल अलग हो गई है, खून निकल रहा है, लेकिन वहाँ टीचर्स कहते हैं नहीं, जो सजा सबके लिए है वो तुम्हारे लिए तुमको करनी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे तीन चार वाक्य हैं जहाँ पर ये उसमें जिक्र था कि पट्टी उतार के अगले दिन फिर से फिर से चलो। तो वो अब सुन के लगता है काफी क्रूर रहे होंगे, लेकिन मुझे अगर अगर एक बोर्डिंग स्कूल के मैं चूंकि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ भी, तो अच्छा। मुझे लगता है कि ठीक है सजाएं मिलती हैं, आप भूल जाते हैं, कई बार बॉन्डिंग भी होती है। ये सजा खास तौर पे ये जो एपिसोड है ये थोड़ा ज्यादा ये ओवरबोर्ड चले गए थे शायद टीचर्स। अच्छा। और मुझे लगता है एक बच्चे के जहन पे इस पे असर तो पड़ा होगा। कब तक रहे संजय दत्त बोर्डिंग स्कूल में? 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज के लिए वापस मुंबई आ गए थे एल्फिंस्टन कॉलेज में। अच्छा, संजय दत्त ने मुंबई आकर शुरू किया ड्रग्स लेना या वहीं पे लेना शुरू कर दिए थे अपने बोर्डिंग स्कूल में? ड्रग्स लेना उन्होंने जब कॉलेज जाना शुरू किया, तो ड्रग्स उस वक्त हिंदुस्तान में नई नई ड्रग्स आ भी रही थी। अच्छा। और चूंकि पैसे की कमी नहीं थी तो और उस सोसाइटी से जुड़े हुए थे जो जिसको हम हाई सोसाइटी कहते हैं, दत्त साहब के बेटे थे, तो अवेलेबल थी ड्रग्स इन लोगों के लिए, मिल जाती थी। लेकिन जब लेना शुरू किया तो माँ बाप को अंदाजा नहीं था कि ड्रग्स क्या होती है। अच्छा, ठीक है। तो उस वक्त चूंकि हिंदुस्तान में भी नई नई आई थी, उनका असर क्या हो सकता है, जब आदमी ड्रग्स लेता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उनको ये तो लगता था कुछ तो कर रहा है ये, अच्छा नशा कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता था कि एक्सटेंट क्या है। और वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया था। एक जमाना तो ऐसा था जब डूबे रहते थे, फिर माँ की डेथ हो गई साल भर की बीमारी के बाद। क्या संजय दत्त की फिल्म जो है रॉकी, पहली फिल्म, वो ड्रग्स लेने के साथ ही उन्होंने शूटिंग की थी या उस वक्त वो ड्रग्स नहीं लेते थे? हाँ, रॉकी बन रही थी उस वक्त, बन रही थी। फिर माँ को की तबीयत ठीक हो गई, न्यूयॉर्क में थी, वो इलाज करा रही थी कई महीनों तक, और वो वापस बम्बई लौट आई और कहा गया कि चलो अब कैंसर फ्री हो गई। अच्छा। हाँ, तो सब कुछ हो गया उनकी उनकी वजह से, कहा कि रॉकी जिस वक्त है वही तभी करो, मैं देखना चाहती हूँ रॉकी का प्रीमियर। बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, मतलब संजय उनके लिए सब कुछ थे, संजय के नरगिज्जत के लिए, मतलब उनके सारे नखरे भी मंजूर थे, सब था जैसे कि होता है, पहले बेटे थे उनके वो। लेकिन जब रॉकी रिलीज होने वाली थी शायद 8 तारीख को, उससे 5 दिन पहले नरगिस चल बसी, और वो झटका जो था मेरे ख्याल से उससे संजय दत्त कभी नहीं निकल पाए, क्योंकि मैंने उनकी कहानी लिखी और आखिर तक देखा, मुझे लगा कि उसके बाद वो जो कमी थी, वो खोखलापन जो था माँ के जाने का, जो जो खालीपन था, वो हमेशा रहा संजय दत्त के साथ। संजय दत्त ने ड्रग्स छोड़ा कैसे, और क्या उनको दोबारा देने की कोशिश नहीं की गई, आखिर कैसे छोड़ा कैसे उन्होंने? बहुत बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट थे, और कई बार दत्त साहब ने उनको अलग अलग इलाज के लिए, रिहैब के लिए भेजा। जैसे वो लौट के आए रिहैब से, तो अगली सुबह आ गया, वो कहते भाई नया माल लेके आया हूं बाबा। अच्छा। इट वाज दैट वन सेकंड आई हैड टू डिसाइड, ईदर आई टेक इट और आई टेल हिम टू गेट लॉस्ट। एंड आई पहले तो उनकी समझ में आया इसको पता कैसे चल गया, बट होता क्या है ना, ड्रग जो पेडलर्स होते हैं उनको पता होता है, वो आपकी खबर रखते हैं कहाँ कैसे पहुँचाना, तो उसको पता लग गया कि ये वापस लौट आए हैं ठीक होके, तो वो नया माल लेके आया। तो इन्होंने तो संजय दत्त कहते हैं कि उस एक मोमेंट में मुझे डिसाइड करना था कि ये अगर मैंने फिर से लेना शुरू की तो मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाऊँ। इन दैट मोमेंट ही डिसाइडेड नहीं, मुझे इस रास्ते नहीं जाना। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि एक बार जो है संजय दत्त ड्रग्स लेकर के अपने पापा के सामने बैठे हुए थे, और उसी दौरान उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पापा के बालों में आग लग गई है, ये क्या किस्सा है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये उनके माँ की डेथ से पहले की बात है, जब रॉकी शुरू हुई थी तो इन्होंने एलएसडी ली थी। अच्छा। एलएसडी उस वक्त एक नई नई ड्रग हुआ करती थी। उसके बाद उससे क्या होता है कि हैलुसिनेट करने लगते हो आप जब हैलुसिनेट करने लगते हैं। इन्होंने ली और ये इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब जाहिर है आप ड्रग लेते हो तो आप कोशिश करते हो नशा चढ़े, मजा आए, इसीलिए तो आप लेते हो। तो इन्होंने ली थी, 5-10 मिनट बाद दत्त साहब का फोन आ गया कि ऑफिस आ जाओ और बात करनी है, पास में था उनका ऑफिस। तो इन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, शूटिंग की बात करनी। तो ये जा रहे हैं और अपने आप को समझा रहे हैं, संजू कंट्रोल योरसेल्फ, है ना, उनके सामने पिताजी हैं। जब तक ये पहुंचते हैं तो असर शुरू हो गया होता है, 10-15-20 मिनट बीत चुके हैं और दत्त साहब इनको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इनको बस सुनाई दे रहा है, क्योंकि इनको तो ये वहां तक भी अपने आप को समझा रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं एकदम, हाँ ठीक है, गर्दन हिला रहे हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा उनके फादर की, मैं इसको बोले जा रहा हूँ, ये तो कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा। थोड़ी देर बाद मति भ्रम और जो हेलुसिनेशन है वो बढ़ता गया, मैंने देखा कि सुनील दत्त के बालों में आग लग गई। अरे,
तो ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, तो सुनील दत्त कह रहे हैं क्या नहीं नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद 5 मिनट और बीते तो इनको लगा सुनील दत्त जो है वो मोमबत्ती की तरह पिघल के गिरने लगे। ये सब इनके सामने हो रहा है। अच्छा, तब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरे मैं अपने पिताजी को कैसे बचाऊं, तो ये वो टेबल के उस तरफ बैठे थे उनके पिता, उनके ऊपर कूद पड़े, छलांग लगा दी। अच्छा, तो दत्त साहब को समझ में नहीं आया, बोले अरे क्यों होया मेरे पुत्र। अच्छा, पंजाबी लहजे में अपने क्यों होया मेरे पुत्र, उनको अंदाजा ही नहीं था। तो ये सुनने में तो बड़ा है ना कॉमेडी लग रहा है इस वक्त, लेकिन ये एक्चुअली बड़ा बड़ा ट्रेजिक था। ये ले भी रहे थे और माँ बाप को खबर भी नहीं थी कि कितना नुकसान हो चुका है, दिलो दिमाग खाली कर देता है नशा। अभी जो संजू का ट्रेलर आया है, संजू जो फिल्म बन रही है उसका, तो उसमें बता रहे हैं कि 308 गर्लफ्रेंड थी संजय दत्त की, तो ये बात कितनी सच्ची है? गर्लफ्रेंड्स जाहिर है शुरू से थी, और 308 गर्लफ्रेंड्स, ये तो फिल्म में बता रहे हैं, मुझे इतना तो नहीं पता क्योंकि इतना ये संजय दत्त ने खुद बताया होगा शायद हिरानी साहब को, तो हो रही होंगी। अच्छा, मैं उनकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आपने भी जिक्र किया है इनके, काफी किया, जो ऑन रिकॉर्ड है मैंने वो किया है, क्योंकि हमारी नॉन फिक्शन थी, हमने कोई लिबर्टी नहीं ली है। अच्छा, जैसे वो फिल्म में सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते हैं। अच्छा, हम नहीं ले सकते, नॉन फिक्शन किताब है और जो जर्नलिज्म के दायरे में रहकर लिखी जा सकती है वही है। तो शुरुआत में फर्स्ट उनकी कोस्टर आती टीना मुनीम, उनके साथ नजदीकियां थी। अच्छा, फिर किमी काटकर थी, माधुरी दीक्षित जिसको सबसे ज्यादा, इस पर बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा था। उसके बाद शादियां हैं उनकी तीन, तो उन तीन शादियों का पूरा जिक्र है इस किताब में। जाहिर है देखिए कोई चीज छोड़ना, मुझे लगता है ये सब जब आपकी जिंदगी में ये जो चैप्टर्स होते हैं इनके बिना आपकी कहानी पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको अगर बात करनी है कि हाँ उनकी जो पहली पत्नी थी उनकी मौत भी बहुत ट्रेजिक थी, उनको भी कैंसर हो गया, तो आप चाहें कि अच्छा ये निजी मामला है इसको निकाल दें, लेकिन चूंकि ये बहुत कवर हुआ था और इसने उन पर असर डाला एक व्यक्ति के तौर पर भी, जब ऐसे पर्सनल चीजें होती हैं वहां पे असर डालती हैं, तो हर वो चीज जो आप पे असर डालती है मुझे लगता है आपकी कहानी का हिस्सा होती है। अच्छा, या फिर सर संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड टीना मुनीम, इनकी जब चर्चा होती है तो एक वाकया बड़ा बताया जाता है कि एक बार ये ऋषि कपूर को पीटने के लिए घर से निकल गए थे, वो बहुत पजेसी हुआ करते थे, ये क्या पूरा वाकया है, क्या वो पीटने गए थे? वो वाकया ये था कि उस वक्त जाहिर है नजदीकियां थी और संजय और ऋषि कपूर शायद कर्ज में काम कर रहे थे टीना जी के साथ। हाँ, ठीक ठीक। तो ऋषि कपूर साहब खुद बताते हैं कि एक बार मुझे इनको कहीं से खबर लगी कि मेरा कुछ नजदीकियां चल रही हैं उनसे, तो ये इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनको पिटाई करके आऊंगा। तो गुस्से में गए और उसके बाद उनको उनकी पत्नी मिल गई नीतू सिंह, मंगेतर थी उस वक्त, तो उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो फिर इनका गुस्सा ठंडा हो गया और ये वापस लौट आए। अच्छा, तो ये था, तो ये इम्पल्सिव तो थे ही हर बार, और इम्पल्सिव जो होता है वो सिर्फ प्यार मोहब्बत के मामलों में नहीं होता, जब आप इम्पल्सिव होते हैं तो हर मामले में होते हैं, वो हथियार भी मुझे खरीदना है, नशा भी सारे करने हैं, है ना, फिल्में भी कुछ भी साइन करना है, मतलब जब इम्पल्स होती है तो कुछ भी इमीडिएटली कुछ समझ में आया और कर दिया बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो जो इम्पल्सिव और एक्सट्रीम जो पर्सनालिटी होती है ना, अतिशोक्ति वाली, वो पर्सनालिटी है। यासिर सर, आपने अपनी किताब में एक जिक्र किया है कि संजय दत्त से जब सुनील दत्त ने पूछा कि उन्होंने हथियार क्यों रखे थे अपने घर में, तो वो कहते हैं कि मेरे रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है, ये क्या बात है, क्या क्यों कहा संजय दत्त ने ऐसा? बहुत बेवकूफ़ी का वो मैंने इसलिए रखा है, वो सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं, कि वो कितनी बेवकूफ़ी की बात इन्होंने कही थी कि एक आदमी जिसका नाम सुनील दत्त है और जो नरगिस हैं, जो अपने आप में सेक्युलरिज्म की इतनी बड़ी मिसाल है, उनका बेटा हथियार जिसने रखे जिसकी जो भी वजह थी, वो ये कह रहा है कि मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरी रगों में मुस्लिम खून है, ये अपने आप में इतना बेवकूफाना था कि कैसे कह सकते, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो जो बड़े बोर्डिंग स्कूल में, सनार स्कूल, लॉरेंस स्कूल सनार में पढ़े हुए हो, हिमाचल प्रदेश, हाँ, तुम इतनी बड़ी सोसाइटी में बैठते हो जिसको पूरा मुल्क फॉलो करता है कि अच्छा ये स्टाइल आइकॉन है, ये बॉलीवुड में काम करते हैं, और जिस वक्त तुम ऐसे मामले में फंसे हुए हो, जब तुमसे पूछा जा रहा है, तुम ये जवाब देते हो, तो वो अपने आप में बड़ा शॉकिंग था और इनकी सोच को भी दर्शाता है। ये संजय दत्त का जुड़ाव अंडरवर्ल्ड से कैसे हुआ? संजय दत्त अंडरवर्ल्ड में कैसे चले गए? तो फिल्म अभिनेता थे वो, तो अंडरवर्ल्ड से जुड़े नहीं थे। देखो, आपको ना कॉन्टेक्चुअलाइज करनी पड़ती है सारी चीज। अभी तो शायद आप नहीं समझोगे, उस वक्त भी जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, उस वक्त अंडरवर्ल्ड का दखल हो गया था इंडस्ट्री में, पूरे हर जगह ही था। बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हुआ करता था, और फिल्म इंडस्ट्री चूंकि पैसे थे, और उस वक्त आज की तरह फिल्में फाइनेंस नहीं होती थी, आज तो है ना स्टूडियोज आ गए हैं बड़े बड़े, है ना, वो स्टूडियो फाइनेंस कर देते हैं कुछ। उस वक्त फाइनेंसर क्या होता था, या तो किसी से आप इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, है ना, साहूकार से, या फिर अच्छा अंडरवर्ल्ड के पास पैसे होते थे,
तो वो उसने पैसे दे दिए। जब उसने आपको पैसे दे दिए तो जाहिर है आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर है उसको अंडरवर्ल्ड ने पैसे दिए, तो जाहिर है प्रोड्यूसर की फिल्म में जो स्टार है उससे मिलना जुलना होता था। बाय नेचर ये थोड़ा घबराते हैं, आम आदमी होते हैं इस तरह से, तो वो शुरुआत हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हमने सुना कि हनीफ और समीर नाम के दो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वे उनको अंडरवर्ल्ड में लेके गए, तो ये इस बात की कितनी सच्चाई है इसमें? हनीफ समीर की एक फिल्म कर रहे थे, ये सनम। अच्छा, वो हनीफ समीर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उस वक्त ही हुआ कि आपको गन्स का शौक है, तो हनीफ समीर ने कहा आपको ये दिलवा देते हैं। उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो बात आई गई हो गई। उसके बाद जब यलगार की शूटिंग चल रही थी, हाँ, वो दुबई में चल रही थी। अच्छा। तो दुबई में ये मिले। अच्छा। दाऊद इब्राहिम के घर, जो कि ऑन रिकॉर्ड है मुंबई पुलिस के, अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो वहां इनकी मुलाकात हुई। आपके ही किताब में इसका जिक्र मिलता है, और भी कई जगहों पे संजय दत्त ने कहा भी है कि अंडरवर्ल्ड से उनकी बहनों को लेकर के धमकियां मिल रही थी कि उनके बहनों के साथ वो कुछ कर देंगे, तो ये संजय दत्त क्यों कह रहे थे ऐसा, ये क्या सच्ची बात है, उनको धमकी मिल रही थी? संजय दत्त का ये कहना था कि मैंने गन इसलिए ली क्योंकि मेरे घर पे धमकी भरे फोन आते थे। अच्छा। कि हम आपकी बहन के को ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा। तो ये उनका वर्जन था जो सब मानते हैं। जब हमारी पुलिस अफसरों से बात हुई मेरी इस किताब को लिखते वक्त, तो उन्होंने कहा कि संजय दत्त ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जब संजय दत्त के पास तो ऑलरेडी 3 लाइसेंस गन्स थी। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने ये गन ली। तो इसमें बड़े, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें खुले तौर पे तो वो एक बड़े एमपी, बड़े नेता के बेटे थे। तब तक संजय दत्त ने ड्रग्स लेना बंद कर दिया था। हाँ, और वो खुद भी बड़े स्टार थे कि अगर उनको धमकी भरे फोन आ रहे हैं तो जाहिर है वो पुलिस वालों को एक फोन कर सकते थे और उनको आराम से प्रोटेक्शन मिल जाता। उसके लिए AK-56 अक्वायर करना या हैंड ग्रेनेड्स अक्वायर करना, मतलब वो कहीं से भी अकलमंदी नहीं है, तो वो जस्टिफाइड ही नहीं है, चाहे आपके पास फोन आ रहे हैं। आप अच्छा। आप सुनील दत्त के बेटे हो, सुनील दत्त एमपी हैं, रूलिंग पार्टी कांग्रेस है देश में, तो आपको क्या डर है? तो एक एक वर्जन तो उसका ये है। अच्छा। तो हर हर लिहाज से बेवकूफी की जाएगी। फिर जब आप पता चल गया कि आपके पास गन है तो उस गन को डिस्ट्रॉय करने की आपने कोशिश की, तो एक के बाद एक आप करते चले गए। क्या ये बात सच है कि संजय दत्त को ऐसी जेल में रखा गया था जहां पे खिड़कियां भी नहीं थी? कितनी सच्चाई है इसमें? उसको अंडा सेल बोलते हैं, वो अंडे के शेप में होता है, और उसमें चूंकि इन पे टाडा लगा हुआ था, तो जाहिर है टाडा तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स या आतंकवादियों पे लगता है, तो वो आतंकवादियों वाला ही इनको सेल दिया गया था। मुश्किल होता है, उसमें आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हो। अच्छा। है ना, वो इतना छोटा होता है, और प्लस जैसा कि शायद फिल्म में भी मैं ट्रेलर में देख रहा था कि वो जो जो फ्लश है टॉयलेट वाला जो सीट है वो भर गई है, तो वो खुला होता है आमतौर पर, मतलब जब आप बाथरूम या टॉयलेट में जा रहे हो तो आपको सब देख सकते हैं जो बाकी आपके, तो अच्छा। तो शर्मनाक होता है। जेल का मकसद भी वही है, तो वो ह्यूमिलिएटिंग था इनके लिए, और जैसी जैसी परवरिश हुई थी जिस घर से थे वो झेलना आसान नहीं था। हथियार तो लिया था इन्होंने, वो तो सत्य है, और शुरुआत में जब पकड़े गए तो टाडा लगाया गया था, जो अब लुकिंग बैक आई थिंक इट वॉज अ लिटिल एक्सट्रीम, क्योंकि ये तो साबित है कि ये आतंकवादी तो नहीं थे, नहीं आप ये बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल भी नहीं थे। हथियार रखा था, वो बड़ी गलती थी, लेकिन मुझे लगता है आर्म्स एक्ट के तहत इनको सजा देनी चाहिए थी, जो कि अंततः आर्म्स एक्ट में ही इनको सजा मिली। हाँ, तो मुझे लगता है पहले भी आर्म्स एक्ट में ही जाते शुरुआत में, लेकिन काफी सारी अगर आप पीछे जाएंगे तो पॉलिटिक्स भी थी बहुत से उनकी, और उस वक्त के जो माहौल के हिसाब से होता है सबसे, मैं कहता हूँ ना कंटेक्चुअलाइज, उस वक्त गुस्सा था लोगों में, पुलिस में, 93 बॉम्ब ब्लास्ट होके निपटे हैं, उसमें 257 लोग मरे, इतने बड़े, इतना बड़ा हादसा, तो और उसी खेप में से इनका हथियार है, तो कनेक्शंस जो होते हैं, और उसका कई बार ना आपको उस वक्त में रह के देखना होता है, पीछे मुड़ के गुस्सा होना या पीछे मुड़ के समझना जरा सा मुश्किल होता है, इसलिए कंटेक्चुअलाइज करेंगे तो हाँ काफी चीजें हो रही थी, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी थी जो ऊपर के लेवल पे हो रही थी, लेकिन गलती तो थी इनकी, उस गलती से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, मुझे लगता है टेररिस्ट नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। माधुरी दीक्षित का नाम खूब आता है, माधुरी से उनके रिश्ते की बात खूब होती है, आपने रिसर्च किया है, आपने उनके ऊपर किताब लिखी है, क्या रिश्ता है माधुरी दीक्षित, क्या आप कहीं किसी निर्णय पे पहुंच पाए हैं माधुरी दीक्षित से संजय दत्त के रिश्ते को लेकर के? ये कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे, 7-8 अच्छा। फिल्मों में एक साथ काम किया, और माधुरी बहुत खबरें होती थी इनकी नजदीकियों की, एसोसिएशन है इनका, ये खबरें आती थी, बड़ी कवर स्टोरीज थी, उनका जिक्र मैंने किया, खुद इन दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा। एक डायरेक्टर हैं रमेश तलवार साहब, उनका एक कोट है कि पीछे घूमते थे, उस तरह की कोट है, लेकिन फिर दत्त साहब का भी, सुनील दत्त का है कि जब ये जेल चले गए तो उन्होंने भी छोड़ दिया, इस तरह का एक कोट है माधुरी को लेकर,
कभी दोनों ने खुद नहीं बोला, और जब भी पूछा गया कहा कि हम दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन चूंकि वो कवरेज उतना हुआ था और फिर दत्त साहब का सपोर्टिंग डायलॉग है और उनकी संजय की उस वक्त पत्नी थी रिचा उनका है, उनका बिल्कुल खुल के उन्होंने नाम लेके माधुरी का बोला है, तो उस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए हमने लिया है। अब शायद वो बात नहीं करना चाहते उसको लेके, हालांकि अब तक फिल्म भी कर रहे हैं, मुझे इंतजार है, क्योंकि एज अ पेयर, फिल्मी पेयर मुझे बड़े पसंद थे साजन में, खासतौर से बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, संजय दत्त और सलमान खान, ये दो बड़े नामों की जिक्र होती है और बताया जाता है कि बड़ा दोस्ती है इन लोगों में, तो क्या आपने रिसर्च किया है, आपको क्या लगता है संजय और सलमान की दोस्ती कैसी थी? सलमान खान उस पर जूनियर है, और मतलब सलमान ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है, अभी रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू पढ़ा था सलमान का, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त मेरा बुरा वक्त चला था, मैंने संजय दत्त और सनी देओल से मदद मांगी थी। अच्छा, हाँ, और उन्होंने मेरी मदद की, और साजन में अगर आप साजन देखेंगे तो साजन में हीरो संजय दत्त वो हाँ। वो है ना, वो सपोर्टिंग है। तो उस वक्त सलमान उतने बड़े स्टार नहीं थे, वो संजय दत्त का दौर था, तो बहुत सी चीजें, चाहे वो बाल बढ़ाना हो सलमान का या बॉडी बिल्डिंग हो, वो सब संजय दत्त से आई। अच्छा, और अगर आप बैड बॉय की टेम्पलेट देखेंगे, वो इतनी चीजों में फंसता है, कभी मीडिया के साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है, वो सलमान काफी हद तक पैटर्न एक ही है। अच्छा, सलमान के भी तो इतने केसेस हैं, वो सब मतलब पैटर्न। सलमान पर किताब आएगी सर? सलमान पे एक किताब आ चुकी है, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन आ चुकी है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे, मैं लिखूंगा, मुझे पता नहीं यार, देखो अभी तो मैं जनार्दन 3 किताबें, ये मैंने सोचा था कि इन 3 किताबों के जरिए, ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स नहीं है जो मैं बताना चाहता था, मैं ये 1970 से राजेश खन्ना शुरू हुए, उसके बाद की रेखा है, उसके बाद के संजय दत्त है, तो ये करीब 15-20 साल का वक्फा है, जो फेज है, ये फिल्म इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती थी, इन किताबों से आपको ये भी पता चलेगा, राजेश खन्ना के दौर में कैसे फिल्में बनती थी, पर रेखा के दौर में क्या चेंजेस आए, और खासतौर पे एक महिला होने के नाते उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, और फिर संजय दत्त राज करते थे और फिर अंडरवर्ल्ड का दखल हो गया, तो ये सिर्फ, इट इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ दीज फिल्म स्टार्स, ये कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री की भी कहानी है लार्जर पिक्चर में, तो ये अभी ये पूरी हो गई है, इसके बाद मुझे, मैंने भी वाकई नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, किसी ना किसी तरह, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम लिखना है या शो बनाना है, कोई ना कोई तरीका होगा, क्योंकि हम बहुत पैशनेट हैं फिल्मों को लेके, तो कुछ ना कुछ तरीके से ये कहानियां तो बाहर आती रहेंगी, वो क्या हो, अब सोचना पड़ेगा किस फॉर्म में आएंगी, वो देखेंगे। संजय दत्त की स्टाइल, संजय दत्त का वो लेदर का जैकेट और उनकी वो बाइक चलाना और उनका वो बाल जो यहाँ तक बढ़े हुए थे, ये बड़े चर्चा में रहे, इस पर आपका क्या कहना है? उनको देखो, वो तो हमने देखा, हम उस वक्त स्कूल में हुआ करते थे, और हाँ। वो मैं देखता हूँ कि हम तो नहीं बढ़ा सकते थे उतने बाल, क्योंकि स्कूल में थे, हाँ। लेकिन जो आमतौर पर हमारे मोहल्ले के लड़के होते थे, हाँ। वो सब बड़े बड़े बाल लेके घूमते थे, हाँ। वो बड़े बड़े बाइक पे चलते थे, वो संजय दत्त की तरह वो जो स्टाइल था चलने की कोशिश करते थे, वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है, तो वो दीवानगी तो थी उनको लेके उस दौर। उनके मैं ऐसे ऐसे फैन से मिला जो उससे आगे सोचते ही नहीं है। अच्छा, मतलब मैं तो अभी गोवा में गया था, तो मुझे, मैं एक होटल में बैठा था, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ वो मेन्यू लेके आया, मैंने ऊपर देखा तो उनके वही बाल थे, ये पिछले साल की बात है। अच्छा, तो साजन वाले, हाँ हाँ हाँ। और मैंने उनका नाम पूछा, शायद उनका नाम अजय था, तो मैंने कहा, तो बोलते हैं बट यू शुड कॉल मी बाबा। अच्छा, तो उन्होंने कहा, और वो छोटे से थे, उनकी हाइट बड़ी कम थी। अच्छा। तो बड़े अजीब लग रहे थे, संजय दत्त तो कम से कम लंबे चौड़े हैं, वो छोटे से थे, बड़े बड़े बाल थे और थोड़े मोटे से भी थे, लेकिन वो उनके जहन में जो इमेज थी, और वो बाबा, जो बाबा हैं सबके लिए, वो इमेज बहुत बहुत कनेक्ट है। वैसे स्टारडम होता नहीं है कि जहां आप एक स्टार की फिल्म उसकी वजह से देखने जा रहे हो, इसलिए नहीं कि डायरेक्टर कौन है, इसलिए भी नहीं कि कहानी बड़ी अच्छी, नहीं, संजय दत्त की फिल्में बस संजय दत्त को देखने जाते थे लोग, और कोई रीजन नहीं था बहुत कुछ। वैसे सलमान उस टेम्पलेट पे चलते हैं कि सलमान की फिल्म में ठीक है, क्या होगा वो ठीक है, वो तो जो भी होगा, बट हम तो सलमान को देखने जा रहे हैं, तो वो जो कनेक्ट है ना, वो नए स्टार्स में नहीं होता। एक जिक्र मिलता है कि इन्होंने एक समय में 3-3 गर्लफ्रेंड्स रखी हैं, तो वो खुद ही बोल रहे थे, वो खुद ऐसे बयान देखिए। एक चीज बड़ी अच्छी है संजय दत्त की, जो इस किताब को लिखने के बाद मेरी समझ में आई, वो ये है कि बड़े ईमानदार हैं, अपनी बात कह देते हैं, वो बात सही है गलत, वो तो मैं और आप या जो भी डिसाइड करना है, जस्टिफाई, वो अलग चीज है। आजकल के दौर में फिल्म स्टार सब बातें वो कहते हैं जो पीआर हैं, छन छन के आते हैं, सब अच्छा अच्छा आता है, कुछ भी खराब नहीं आता, नहीं आता। संजय दत्त अपनी जिंदगी के बारे में भी खुल के बात कर सकते हैं, और ये किसी भी इंसान की बहुत बड़ी खासियत होती है ना। वो कह सकते हैं कि यार मैं बड़ा ड्रग्स, मैंने ये ड्रग्स ली, जो ड्रग्स तुम सोच सकते हो मैंने ली है, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी, फिल्म में कह रहे हैं कि 350 थी, है ना, और वो कह रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूट्स को भी मिला हूं, तो वो ये जस्टिफाई नहीं कर सकते यार, लेकिन ये ईमानदारी
एक लेखक के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता है ये इसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि वो कह सकते हैं ये बात। अच्छा यासिर सर, मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूंगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर क्यों जनता में अभी भी सिंपैथी क्यों है संजय दत्त को लेकर के, क्या कारण है? आई थिंक उनकी माँ की जैसे वो पहली फिल्म से पहले डेथ हुई थी और उसके बाद वो जो ड्रग्स वाला फेस था जो बड़ा दर्दनाक फेस था, मुझे लगता है उसके बाद जो कनेक्शन था ना वो हमेशा एक बड़ा सिंपैथी वाला रहा है लोगों का भी उनके। अच्छा, अरे इसके साथ देखो कितना बुरा हुआ, और चूंकि वो बुरा होता चला गया अलग अलग वजहों से, कभी उनकी खुद की बेवकूफी की वजह से, कभी किस्मत भी होती है कि खराब होता चला गया काफी चीजें, तो वो कनेक्शन मजबूत होता गया लोगों। ये भी कहते हैं साथ में कि अगर मुझे वही जिंदगी वापस जीने का मौका मिला। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है, ये संजय दत्त ही कह सकते हैं। मैंने संजय दत्त से पूछा कि अगर आपको मौका मिले अपनी जिंदगी आपकी इतनी हैपनिंग रही है, इतने उतार चढ़ाव रहे हैं, तो आप कौन सी चीजें जो बदलना चाहेंगे? तो मुझे लग रहा था कि जाहिर है ड्रग्स फेज होगा या अपनी माँ का वाक्या होगा या जेल वाला कुछ, तो कहेंगे ये ना होता तो मैं ऐसा होता। तो मैंने पूछा क्या चीज है जो आप बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो उन्होंने बिना सोचे समझे एक पल में जवाब दिया कि नथिंग, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू लीड द सेम लाइफ वंस अगेन। मतलब मुझे अगर फिर से मौका मिले तो मैं यही जिंदगी जीना चाहूँ फिर से। ये बहादुरी की बात है और ये मुझे लगता है ये बड़ी गहरी बात है जो आई एकदम से थी, लेकिन इसमें गहराई है कि मतलब जाहिर है कि क्या जो कुछ वो है इन एक्सपीरियंसेस की वजह से तो हैं, हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वही तो हमको बनाते हैं संजय। हाँ। तो उनको उन एक्सपीरियंसेस नहीं बनाया है वो जैसी भी। कुछ ऐसा है सर जो आप किताब में लिखना चाहते थे और नहीं लिख पाए? मुझे लगता है ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो संजय दत्त अगर खुल के बात करते तो कुछ और चीजें आती, खास तौर पे जो उनकी माँ के बारे में है या सुनील दत्त के साथ उनका रिश्ता कैसा था, उसके बारे में जितना पब्लिक डोमेन में है वो तो इस किताब में है, लेकिन जाहिर है अगर वो खुद जो शायद उन्होंने हिरानी साहब को बताया होगा, और मैं इसीलिए फिल्म देखना चाहता हूँ बहुत। अच्छा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो जो उनके दिल में है वो चीजें मैं उनसे सुनना चाहूंगा कि जब ये फैमिली इन हादसों से गुजर रही थी तो उस फैमिली पे क्या गुजर रही थी, जो इनसाइडर नैरेटिव वो थोड़ा मैं मिस करता हूँ। लेकिन मैं जिस तरह की किताबें लिखता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनसे बात करो, क्योंकि फिर वो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, फिर वो बैलेंस नहीं लगता किताब। अभी कहानी, किसी भी कहानी को कहने का मतलब, संजय दत्त को की कहानी लिखने का मतलब ये नहीं कि उनको नेगेटिव दिखाया जाए या पॉजिटिव दिखाया जाए। अच्छा, अच्छा। क्योंकि कहानी रख दी सामने, आप एज अ रीडर खुद अकलमंद हो, खुद अपने कंक्लूजंस ड्रॉ करोगे। एक संजय दत्त ने एक असहमति जताई थी किताब के प्रति कि ये उनकी किताब नहीं है। हाँ, उन्होंने ट्वीट कर दिया था, उन्होंने कहा कि ये बहुत कुछ इमेजिनरी है जो मेरी समझ में नहीं आया, उन्होंने बताया नहीं क्या है। अच्छा, फिर मुझे लगा शायद पता नहीं क्या समझ में नहीं आया, केस वेस करेंगे, फिर एक नोटिस भी आया उनके लॉयर की तरफ से, तो हमने उनको बोल दिया कि सब पब्लिक डोमेन में, फिर मान गया। उन्होंने कभी बुक रोकने को नहीं बोला। अच्छा, उन्होंने हमको बोला था कि मैं चाहता हूँ और एक्सर्प्ट्स ना छपे जो अखबारों में छपे थे या वेबसाइट्स पे, तो उतना वी रेस्पेक्टेड दैट। और उतना तो संजय दत्त का, मैं खुद चूंकि मैंने लिखा है उनकी कहानी, तो मैं ऑफ लेट में उनको बड़ा रेस्पेक्ट करने लगता हूँ किन चीजों से गुजरे हैं, तो हमने मान ली उनकी वो बात। उसके बाद से किताब चल रही है और काफी चल गई है, रीप्रिंट्स में चली गई है किताब, अब हिंदी में भी आ गई, जो आपने हिंदी वर्जन प्रभात रंजन है उन्होंने बड़ा अच्छा इसका ट्रांसलेट किया है, वो खुद भी लेखक है, तो उनकी मेहनत का नतीजा है कि किताब जल्दी आ गई हिंदी की भी, तो अब हिंदी में भी लोग पढ़ रहे हैं, तो ठीक है कहानी से। और मैं हमेशा, मेरा मानना रहता है चाहे मेरी कोई सी भी किताब हो, कि जब भी फीडबैक आता है तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और फीडबैक से मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, मतलब फीडबैक्स का मतलब मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अच्छा इसने किताब पढ़ी है, तो पढ़ी है तो मैं खुश हूँ। तो ये थे यासिर उस्मान, संजय दत्त किताब के लेखक, और इनसे हमने संजय दत्त की जिंदगी के ऊपर ढेर सारी बातें की। ढेर सारी बधाई सर आपको। थैंक यू जनार्दन, बहुत अच्छा लगा, इतनी डिटेल में बात किया, मतलब आपने किताब पढ़ी, मैं देख रहा हूँ सब आपने बुक मार्क्स लगाए हुए हैं अलग अलग पेजेस पे, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा लगता है। और जब मौका आएगा, अगली कोई किताब आएगी तो बात करेंगे फिर, लोकमत के साथ आएंगे, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।